Citylive, a platform to sharing your thoughts. टैसो और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में कई कंपनियों ने भाग लिया है, जिनमें कई मशीनरी और उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं। उन्हीं में से एक है एक्सेल मैग्नेटिक्स। इनसे बात करेंगे कि यहां उन्होंने किस तरह के प्रोडक्ट यहां डिस्प्ले किए हैं और कंपनी की क्या प्रोफाइल है। यस, मेरा नाम है शैलेश पटेल और एक्सेल मैग्नेटिक का मैं प्रोपराइटर हूँ और मेरा फैक्ट्री अहमदाबाद में सेटअप किया हुआ है और ऑल टाइप ऑफ मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स एंड वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट्स हम लोग ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके रखा हुआ है। मेरा देखा जाए तो गुजरात में सबसे बड़ा यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का और बेस्ट क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी सर्विस सब कुछ हम लोग बनाते हैं। और मैं मोस्टली हम लोग मैग्नेटिक डिस्टोनर जो एनी ग्रेन्स में से मिट्टी मड़बोल उसको हटाने के लिए वो स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। दूसरा है हम लोग का स्क्रीन का काम, वो हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि टेसो ऑर्गेनाइज़र ने ऐसा एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है तो उसने अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि एंड यूज़र तक अपना प्रोडक्ट पहुँच सके। जो मशीनरी है, नया कोई सोच रहा है कि जो नया प्लान लगाने के लिए, तो उसके एक माध्यम से टेस्टों के माध्यम से एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया तो बेस्ट, अच्छा प्रयास किया हुआ, बेटर है और आगे और बेटर हो जाएगा प्रयास टू नेक्स्ट, इससे भी अच्छा काम टेस्टों करेंगे। तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर जो लघु उद्योग हैं या जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए है और ख़ासतौर से MSME के ऊपर गवर्नमेंट का, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है, इसको बढ़ावा दिया जाए। राजस्थान में भी ज़्यादातर छोटे उद्योग हैं तो ये किस तरह से मददगार साबित होती है आपकी जो मशीनरीज हैं उनके जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में। राइट, हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड है, जैसे स्पाइसेस हो गए या मसाले हो गए या वीट है, वीट इंडस्ट्री, फ्लोर इंडस्ट्रीज, ग्रेन इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग इंडस्ट्रीज, जो ऑलरेडी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट्स है जो बड़ी स्केल पर नहीं है, जैसे फ्लोर मिल हो गया, चक्की आटा प्लान हो गया, वो ऑलरेडी 20 से लेके 25 से 30 लाख 40 लाख तक वो प्लान लगता है। और MSME का पूरा उसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी का सपोर्ट है, टैक्स में सब बेनिफिट दिए हुए हैं और उसी का एक पार्ट्स हम लोग का एक मैग्नेट का पार्ट्स है और स्क्रीन का पार्ट है जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। जैसे एक वीट आ गया, उसके अंदर जो मिट्टी रह जाती है जिससे वो क्वालिटी बेटर नहीं बन पाती, तो उसके लिए हम लोग का एक डिज़ाइन स्पेशली किया हुआ है तो उसके लिए वो बेटर बना सकता है। पैसों की ओर से ये पहला प्रयास है राजस्थान में, कैसी रही एग्जीबिशन, कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, टेसो की तरफ से कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, टेसो अच्छा है और अच्छा माध्यम और मीडिया खड़ा किया हुआ है कि एंड यूजर तक अपना प्रोडक्ट पहुँच सके, हर एक कस्टमर को यहाँ से हर एक प्रोडक्ट और हर एक कंपनी के साथ जुड़ सके। ऐसी एक कंपनी है गांधी ऑटोमेशन, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या कंसेप्ट है। सोनाली हमारे साथ हैं। मैडम, आपका ये क्या कंसेप्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है? ये डॉक लेवलर है, आप देख सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज होता है। ये जो फ्लैप है ये ट्रक बेड पे जाके बैठ जाता है, ये एक रैम बनाता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो ट्रक में इजीली लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए यूज होता है। और 30 साल से हम इस मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, 40 हमारे प्रोडक्ट्स है, हैज ऑफ तो इधर डिस्प्ले में हमने 3-4 ही लगाए हैं। सो बेसिकली गांधी ऑटोमेशंस का गुडविल बहुत है मार्केट में, जयपुर में हम ये एग्जीबिशन कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है। टैसो इज़ द ऑर्गेनाइजर, सो दे हैव डन वेरी वेल, दे हैव द अरेंजमेंट्स आर प्रीटी गुड हियर। We are getting all the help which was needed. So, very happy with the organizer. Citylive, a platform to sharing your thoughts. महासंघ की इस प्रदर्शनी में पतंजलि ने भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिस्प्ले यहाँ पर किया है और यहाँ सभी जो प्रोडक्ट हैं पतंजलि के वो यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रदेश भर से जो लोग यहाँ पर आए हैं उन सब ने इनको सराहा है, देखा है, इनके बारे में जानकारी ली है। पतंजलि की ओर से यहाँ उनके प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे कौन कौन किस तरह के आपने यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं, कैसा रिस्पांस मिला है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, थैंक यू। और यहाँ पे सारे डिस्प्ले की स्कीम्स थी वो सारे एक बार
हमें प्रदर्शित की गई हैं, जो भी फूड डिवीजन से रिलेटेड हमारे सारे ब्रांड्स हैं उनको, और इसमें हमारे नए ब्रांड्स भी कुछ लॉन्च हुए थे वो भी यहाँ डिस्प्ले हुए हैं, जैसे वुमेंस पावर वीटा, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है हमारा फॉर द स्पेशली फॉर द वुमेंस, राइट। तो ये इसका भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कंपनी के द्वारा। इसके अलावा अपनी सारी फूड डिवीजन की रेंज है, उसमें राइस पल्सेज स्पाइसेस कंप्लीट, वो भी यहाँ अवेयरनेस थी, जो बल्क पैकिंग है अपनी कंपनी की वो शो होना था, साथ में रुचि सोया जो अभी रिसेंटली हमने टेक ओवर किया है रुचि का, तो उसके भी स्टॉल बगल में ही है, तो उसके भी बारे में अवेयरनेस होना था कंपनी की तरफ से कि रुचि भी अभी इज अ पार्ट ऑफ पतंजलि फैमिली। जी, काफ़ी मात्रा में ट्रेडर भी आए हैं इस एग्जीबिशन के अंदर, तो ट्रेडर्स के लिए भी आपके पास कोई कंसेप्ट है? हाँ, कंसेप्ट है हमारे पास, बहुत सारी इंक्वायरीज आई है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, रॉ एंड फिनिश्ड गुड्स बोथ, तो हमने उसका डेटा कलेक्ट कर लिया है, उसको हम हेड ऑफिस में भेजेंगे और वहाँ से हेड ऑफिस से ही उसका प्रोसेस होगा, किसे हम जो भी बिजनेस प्रोसेस है वो सब। अच्छा, ये एग्जीबिशन भी हेल्दी फूड की थीम पर है, तो हेल्दी फूड लोगों को मिले इसके लिए पतंजलि की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पतंजलि का हेल्दी फूड्स तो पतंजलि का एक एम भी है, इसलिए पतंजलि मैदा का तो आपको पता है यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ प्योरली आटे उसमें ही यूज़ करता है। पतंजलि की सारी कंप्लीट बिस्किट की रेंज भी कंप्लीट आटे की रेंज है, सेम अपन हम जो भी अनपॉलिश्ड सारी दालें हैं हमारे और स्पाइसेस सारे प्योरिटी के साथ में है, और ये जो अपने ऑयल डिवीजन में है ऑयल भी सारे अपने प्योरिटी के साथ है। Citylive, a platform to sharing your thoughts. टैसो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के द कूटे ग्रुप ने अपनी तिरुमला ब्रांड को यहां पर डिस्प्ले किया है, और इसके बारे में और बातचीत करेंगे, यहां तिरुमला के प्रतिनिधि हैं। सर, किस तरह के आपके प्रोडक्ट यहां पर डिस्प्ले हुए हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला है? यहां पे हमारे तिरुमला एडिबल ऑयल प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है, इसके बाद हेयर ऑयल जो अभी हम रिसेंटली राजस्थान में लॉन्च करने वाले हैं उसके संदर्भ में हमने स्टॉल इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर लगाया है, जो कि ब्रांड अवेयरनेस महाराष्ट्र में तिरुमला बहुत बड़े मात्रा से है, वो अवेयरनेस इधर भी क्रिएट हो जाए, तो इस माध्यम से इसमें हमने भाग लिया है। एडिबल ऑयल में बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे प्लेयर पहले से हैं, तो क्या यूएसपी है तिरुमला की कि जो कस्टमर के बीच में और मार्केट में जगह बना पाएगा? सबसे बड़ी बात रहा है तो क्वालिटी के तौर पे हमने काफ़ी हमारा ब्रांड पॉपुलर है महाराष्ट्र में, वही ब्रांड यहाँ भी राजस्थान में मिला जाए, क्वालिटी के कारण आज ये टॉप लेवल पे गिने चुने ब्रांड में से जैसा जमीनी हमारे साथ उसके कंपैरिजन में महाराष्ट्र में लीड कर रहा है, वैसा इधर भी ये ब्रांड लीड करेगा इसके हमको गारंटी है, उस हिसाब से हमने इधर आए हैं। अच्छा, राजस्थान में ये टैसो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ है, उसकी ओर से पहली एक कोशिश है एग्जीबिशन, कैसा रिस्पॉन्स मिला, किस तरह के यहाँ अरेंजमेंट्स हैं? काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स भी मिलते गया, बहुत सारी इंक्वायरीज भी जनरेट होती गई है, तो यहाँ पे हमें एक अनुभव, अच्छा अनुभव मिला है, और हम हमेशा ऐसे कोई एग्जीबिशन होंगे राजस्थान के अंदर तो हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।